ये देख सकते हैं अभी पूरा रोड गीला है और टेम्पो वाले भैया को बहुत जल्दी स्टैंड दिखाएंगे ये सुपरमैन बन के। हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं ना, वो बाबू का खतना हुआ है बेबी का, तो इसलिए हम कुछ खुशी में बांट रहे हैं। वेलकम टू फैजम की दुनिया। और आज दिल्ली का हाल सुनाने के लिए मैं, शबनम और फैजल हम रोड पे उतरे हैं दिल्ली का हाल देखने के लिए। सुबह ही 3 बजे से ना, 3:30 बजे शायद खूब तेज बादल गरज रहा था, तो हमें लगा चला शायद बारिश होगी और मुझे लेट ऑफिस जाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी, तो मैं फटाफट रेडी हुई, ऑफिस के लिए निकल गए। क्या मौसम था वो, विदाउट धूप, कोई धुंध नहीं, सिर्फ अंधेरी सी चादर छाई हुई थी आसमानों पे, और ठंडी सी हवाएं आ रही थी जो हमारे पूरे बदन को कपकपा दे रही थी, लेकिन हम फिर भी बाइक पे टुटर के बैठे हुए थे जाने के लिए, और हम ऑफिस पहुँचे। और पूरा दिन शायद ऐसे ही निकल गया, मौसम ऐसे ही रहा, बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक नहीं, मेरे जब मेरा है मानना, ठीक मेरे हिसाब से तो बहुत रोमांटिक मौसम था। जिनको ठंड लगती होगी, जैसे फैजल को ठंड लगती है, तो उसके हिसाब से मौसम ठीक नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे कई लोग होंगे जिसे ठंड लगती होगी, तो मुझे भी ठंड लगती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसा मौसम। और रात के बज रहे हैं 8:30, ये टाइमिंग है मेरा आने का, क्योंकि आते आते जाम काफ़ी मिलता है, इसलिए मैं रुक जाती हूँ, लेट पहुँचती हूँ। निकल तो मैं टाइम पे जाती हूँ 7:30-7 बजे, या कभी कभी लेट हो जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा नहीं, बहुत। हाँ ठीक है, मैं बहुत लेट हो गई। फैजल ने मुझे कबाब खिलाया, वो भी ठंडे, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी कबाब से पहले। क्या सेंस, सीरियसली क्या सेंस था, अगर पता था मैं लेट हो रही हूँ। मुझे आप कह रहे थे हम यहाँ पहुँच गई, मुझे लगा इसको सेकने में टाइम लगेगा, आपको शायद आने में, मैं सोचा वेट नहीं करना पड़ेगा। यार तो कुछ भी हो, लेकिन आपको पता था कि अगर जाम लगता है यहाँ पे, तो मैं 10 मिनट में अंदर वेट कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से कबाब करवा कर रखा था, तो कबाब बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, जो मुझे मजा नहीं आया। करवा लेते तो बढ़िया, ना करवा दो तो। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। तो ये पहले जाम है, मैं जाम से निकलते फिर बताते हैं, क्योंकि साउंड शायद ठीक से नहीं आएगा। गर्मी का एहसास कितना सीरियस हो के सीरियल देख रहा है गाड़ी में। हाँ लोग मतलब बोर भी नहीं होते हैं, और कभी ये भी नहीं सोचते कि जल्दी जल्दी भागे। ये देखो सास बहू का नाटक देख रहा है क्या, बारिश की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मगर ये आराम से सास बहू कोई नाटक है, गोपी बहू, अच्छा पता नहीं कौन सा नाटक है, मैं भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है नाटकों में, इसलिए नाम नहीं पता मुझे, तो वो देखते हुए जा रहा है। और ठंडी में जाम का फायदा बस ये है कि आपको बोर नहीं होने देगा, आप चिड़चिड़ाओगे नहीं, तो आराम से आप जा सकते हो। लेकिन यही अगर गर्मी में, जून जुलाई में इस टाइम पर अगर इस हालत में जाम में रहते, तो इंसान आधा पसीने से नहा चुका होता है, नहाने की जरूरत भी नहीं पड़ती घर जाके, बस पसीने से पोंछ लेता है, वो सेंट लगा लेगा, ड्यू लगा लेगा, कपड़े चेंज कर लेगा, नहीं नहा लेता यार, नहा लेता है, लेकिन वो चिड़चिड़ा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा इस जाम से, क्योंकि ठंड इतनी हो रखी है अभी, और ठंड के साथ अभी बारिश हो रही है 2 घंटे से, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 2-3 घंटे हो चुके हैं बारिश हुए हुए, और रुक नहीं रही है, बहुत तेज तो नहीं है लेकिन हो रहा है। ये देख सकते हैं अभी पूरा रोड गीला है, और टेम्पो वाले भैया को बहुत जल्दी स्टैंड दिखाएंगे ये सुपरमैन बन के। और ट्रक वाले भैया भी, पैदल आप स्टैंड मत दिखाना प्लीज़, हम आराम आराम जाएंगे इंजॉय करते हुए। और ये कुछ लोग जिनको गीला नहीं होना है, वो इस खम्बे के नीचे, खम्बा बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, फ्लाईओवर बोलेंगे सॉरी, इस फ्लाईओवर के नीचे रुक के बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल वेट नहीं कर रही हूँ, मैं अल्लाह से प्रे कर रही थी कि अल्लाह बारिश रुकना मत प्लीज, मुझे गीला होने देना, लेकिन अल्लाह ने बारिश बंद कर दिया। कुछ नहीं होगा, साई सर भी कह रहे थे तबियत खराब हो जाएगी, मैंने कहा मेरी होती ही नहीं बारिश में गीले होके, एक बारिश में गाना हो जाए, गाओ प्यारा सा गाना। मैं प्यारा सा गाना गाऊं? हाँ मोहब्बत, ऐसे गाना नहीं था, डरा रहे थे आप। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, कई रात गुजार
कहता तो एक है लेकिन कई रात फैजल जाओ। और ये मंदिर छोटा सा जहाँ पे हर मंगलवार को पूजा होता है गणेश जी की, नहीं सिर्फ किसकी, मंगलवार को हनुमान जी का होता है, सॉरी हनुमान जी और नारियल वाला पानी। लिट्टी चोखा खाएंगे गाँव जाएंगे और लिट्टी चोखा खाएंगे और साथ में आलू भुजिया भी खाए, आलू भुजिया दाल भात भुजिया खाएंगे। बकरी, हाँ बकरी दूध देती है, मैंने दूध पिया है बकरी का, जब उसके बच्चे हुए थे ना चार बकरी, एक बकरी के चार बच्चे हुए थे एक साथ, चार बच्चे हुए थे, चार मैंने चार देखे हैं, पता नहीं यार चार थे दो थे लेकिन थे चार। हम फिर से वही पार्किंग में आ गए, जाते क्यों नहीं हो, जाओ जाओ चोर नहीं होते काली चोर वैसे लग रहे हो। मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैंने बहुत काम किया, बहुत सारा काम किया, घर के लिए भी काम लेके आई हूँ मैं। फैजल आ रहे हैं, मैं ऐसे मॉडलिंग करूंगी ठीक है, एक दो घूमो, नहीं नाइट ड्यूटी हमारी, नाइट ड्यूटी दिखाओ हमारी। ये मिठाई है जो हम 10 रुपए में लाए हैं और 20 रुपए में बेचने जा रहे हैं, चलो एक लड्डू हम बेच चुके हैं 20 रुपए में, पैसे नहीं दिखाया, उधार किया उसने, उधार। हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं ना, वो बाबू का खतना हुआ है बेबी का, तो इसलिए हम कुछ खुशी में बांट रहे थे। सामान धो देना, ये तो बना रहे हो, मैं धो रही हूँ ठीक है, मैं धो के ही बनाती हूँ, मुझे धो लेना, मैं धो के बनाती हूँ समझे, ज्यादा सिखाने जरूरत नहीं, मुझे फिर भी धो लेना। धुल चुके हैं अगले से, मैं क्या गलती किया था पिछली, सॉरी मैं अगला को पिछला बोलती हूँ तो आप समझने में गलती ना करें। और ये गैस में सॉल्ट क्यों काट दोगे, नहीं मत काट, मैं काट दूँ अभी, चलाओ चलाओ छोड़ो, उसका वो हो गया, बंद कर दो, चलो बहुत पक गया वो, कोई दिक्कत नहीं, और पकने दो, ये घी, ये मेरा सिर्फ मेरा ये मुस्कान का, और वो तीसरी गुलाब जामुन, और एक ये सिर्फ एक, ये किसका है आपका, ये दोनों मेरा है, आपको खाना है ठीक है, तुम लोग क्या बात करोगे, और तुम लोग और ये आ रहा है हमारे घर में भाभी जी,